हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। दोस्तों, हमने कुछ समय पूर्व छत्तीसगढ़ समान अध्ययन की जिलेगत जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, कुछ तकनीकी कारणों से अभी बीच में रुकाव आया, लेकिन आज से इसका पुनः प्रारंभ हम बस्तर संभाग के सुकमा जिले के पर कर रहे हैं। दोस्तों, सुकमा जिला राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। इस जिले के विषय में एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे निम्न अक्षांशीय जिला, लोवेस्ट लैटिट्यूड डिस्ट्रिक्ट इनसेज, अर्थात दोस्तों अक्षांश छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक है। इसमें सबसे निम्न अक्षांश सुकमा जिले का आता है। इसी प्रकार अगर हम ये देखें तो राज्य के 28 जिलों में समुद्र तल से सबसे निम्न ऊंचाई वाला जिला सुकमा है। यहां की ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 217 मीटर है, जबकि सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला जिला जसपुर है, जो लगभग 900 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई वाला है। दोस्तों, यही नहीं, हम सुकमा जिले की अगर देखें तो इसका मानचित्र में अध्ययन आपके समक्ष है। इस जिले के उत्तर में दंतेवाड़ा जिला विस्तारित है, वहीं पर उत्तर पूर्व में बस्तर की सीमाएं इससे स्पर्श करती हैं, जबकि संपूर्ण पूर्वी भाग उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है और उड़ीसा के साथ इस जिले की सीमाओं का निर्धारण सबरी या कोलाब नदी करती है। दोस्तों, इसी प्रकार एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं अपने सात पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करती है। इनमें सबसे छोटी सीमा पड़ोसी राज्यों में आंध्र प्रदेश की है, जो छत्तीसगढ़ के साथ सुकमा जिले से लगी हुई है। दोस्तों, सुकमा जिले के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना जिला स्थित है, तेलंगाना राज्य स्थित है। तेलंगाना राज्य के अलावा अगर सुकमा जिले के पश्चिमी भूभाग की ओर हम देखें तो बीजापुर जिले की सीमाएं इससे लगी हुई हैं। दोस्तों, आइए अब अगले चार्ट में हम देखते हैं सुकमा जिला एक नजर में, जनगणना 2011 के अनुसार। दोस्तों, सुकमा जिले का क्षेत्रफल 5635.79 वर्ग किलोमीटर है। द टोटल एरिया 5635.79 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि इस जिले की जनसंख्या 250,159 है। द पॉपुलेशन 250,159। दोस्तों, सुकमा जिले की साक्षरता लिटरेसी रेट 34.81% है, जो राज्य में न्यूनतम है। उसी प्रकार सुकमा जिले में 0 से 6 जनसंख्या कुल जनसंख्या में 36,259 है, 36,259 है। 0 से 6 लिंगानुपात सेक्स रेशियो 997 पर 1,000 है, जबकि इसका ओवरऑल सेक्स रेशियो या लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 1,017 महिलाएं हैं, 1,017 वुमेन्स। दोस्तों, सुकमा जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत संपूर्ण राज्य में न्यूनतम 1.11% 1.11% है एससी पॉपुलेशन, जबकि अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सुकमा जिले में राज्य के 28 जिलों में सर्वाधिक 83.47% है, जो राज्य के 28 जिलों में सर्वाधिक है। दोस्तों, सुकमा जिले की नगरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का प्रतिशत में 11.27% है। सुकमा जिला मुख्यालय एवं विशिष्ट शासकीय संस्थाएं, दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा है, जो राज्य के मानचित्र में सुदूरतम दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यह जिला निर्माण के क्रम में राज्य का 23वां जिला है, जो औपचारिक रूप से 16 जनवरी 2012 को दंतेवाड़ा जिले से पृथक करके बनाया गया है। रिसर्च सेंटर एवं महत्वपूर्ण उद्योग, दोस्तों औद्योगिक दृष्टि से यह जिला अत्यंत पिछड़ा है। राज्य सरकार ने हाल ही में इस जिले में रबर प्लांटेशन लगाने का निर्णय लिया है। सुकमा जिले मंदिर पुरातत्व पर्यटन स्थल, सुकमा जिले के रामाराव गांव में चिटमिटिन माता का मेला लगता है, जबकि कोंटा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणतम कस्बा है, जो सुकमा जिले में आता है।
पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं सुकमा जिले के उत्तर पूर्व में झीरम घाटी स्थित है, जबकि दक्षिण पूर्व में गोलापल्ली की पहाड़ियां बीजापुर जिले से लगी हुई हैं। सुकमा जिले के उत्तर में दंतेवाड़ा से लगी हुई गोगुंडा की पहाड़ियां हैं, जो टीन एस भंडार के लिए जानी जाती हैं। इस जिले में चिंता गुफा स्थित है, जो सघन नक्सल क्षेत्र के लिए चर्चित है। यह पहाड़ी सुकमा बीजापुर सीमांत क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, सुकमा जिले के उत्तर पूर्व में दंतेवाड़ा सीमांत क्षेत्र में खुलसो डोंगर का पर्वत स्थित है, जो नंदीराज पर्वत के उपरांत दंडकारण्य के पठार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मलकानगिरी उड़ीसा और खुलसो डोंगर के मध्य से सबरी नदी प्रवाहित होती है। नदी बांध एवं सिंचाई सुकमा जिले के दक्षिण में कोंटा और उसके आसपास का क्षेत्र तेलंगाना राज्य में निर्माणाधीन पोलावरम बांध को लेकर काफी चर्चित है। 1978 में पोलावरम बांध को लेकर विवादित है। इस बांध की वजह से 50 से अधिक गांव जो सुकमा जिले के कोंटा के हैं विस्थापन का शिकार होंगे। सुकमा जिले में दुर्मा जलप्रपात भी स्थित है। सुकमा जिले के पूर्वी सीमा सबरिया कोलाब नदी बनाती है। यहां पर गुप्तेश्वर जलप्रपात है, जो सबरी नदी पर स्थित है। मिट्टी एवं कृषि सुकमा जिले में टिकरा, लैटेराइट और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ अर्थात एलोवियल सॉइल पाई जाती है। सघन वन क्षेत्र होने की वजह से जनसंख्या काफी विरल है। यहाँ धान, कोदो, कुटकी जैसी खेती की जाती है। सुकमा जिला मैदानी और नदियों द्वारा बहा के लाए गए उपजाऊ मिट्टी से बना है। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य एवं वन क्षेत्र की विशेषताएं सुकमा जिले के उत्तर पूर्व में बस्तर के कांगेर घाटी से लगा हुआ भैंसा दरहा अभयारण्य है, जो मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। सुकमा जिले में रबड़ का प्लांटेशन किया गया है। राज्य का पहला विज्ञान पार्क साइंस पार्क 2016 में सुकमा जिले में स्थापित किया गया था। खनिज मिनरल्स दक्षिण में किस्टाराम के निकट गोलापल्ली की पहाड़ियां हैं, जो अभ्रक या माइका भंडार के लिए जानी जाती हैं। यहां पर राज्य का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी होता है। सुकमा जिले में टीन के या कैसेटिनाइट नामक एस्क मिला है, जो चितलनार, छिंदगढ़ आदि क्षेत्र में फैला हुआ है। गोलापल्ली की पहाड़ियां अभ्रक या माइका भंडार के लिए जानी जाती हैं। जाति और जनजाति की विशेषताएं इस जिले में दोरला जनजाति की अधिकता है, जो गुणों की उपजाति है। ये लोग होली के अवसर पे डंडारी नृत्य करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के 28 जिलों में न्यूनतम अनुसूचित जाति SC जनसंख्या मात्र 2776 सुकमा जिले में निवास करती है। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सिडुल ट्राइब्स पॉपुलेशन प्रतिशत में सुकमा जिले में है 83.47%, 83.47%। गोबर बोहरानी उत्सव सुकमा जिले की छिंदगढ़ तहसील में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। विविध तथ्य सुकमा यह जिला उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है। सुकमा जिला सघन वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जिसमें सैगोन और बांस के वन पाए जाते हैं। इस जिले की सीमा उड़ीसा के साथ सबरी या कोलाब नदी निर्धारित करती है, जबकि दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। इस जिले के पश्चिम सीमांत क्षेत्र में लंबवतः राष्ट्रीय राजमार्ग इस जिले के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में लंबवतः राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 गुजरता है, जो जगदलपुर, छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा होते हुए तेलंगाना को जाता है। इस जिले में छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा तहसील है। इकलौती नगर पालिका सुकमा है, जबकि नगर पंचायत कोंटा और दोरनापाल है। सुकमा जिले के उत्तर में बस्तर जिला स्थित है, जबकि उत्तर पश्चिम में दंतेवाड़ा जिला फैला हुआ है। इसके पश्चिमी भाग में बीजापुर जिला है, जबकि दक्षिणवर्ती भाग तेलंगाना से लगा हुआ है। न्यूनतम साक्षर जिला के रूप में सुकमा जाना जाता है। राज्य के 28 जिलों में नारायणपुर के बाद राज्य का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सुकमा है। दोस्तों, रुद्र इंस्टीट्यूट की इस पहल के तहत डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिवीजन अगली श्रृंखला में हम प्रारंभ करेंगे, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बिलासपुर संभाग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हमें यह विश्वास है कि हमारी श्रृंखला छत्तीसगढ़ का जिलागत अध्ययन में सुकमा जिला आपको काफी पसंद आया होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।